तो वो वहीं पर है वो, तो बोले अभी वो पुलिस का सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं, वो जैसे आएगा वो लेके चलेंगे, और डायरेक्ट यहीं आ रहे हैं अंधेरे ईस्ट में। वो फ्लाईओवर के पास तेली गली, मतलब एक तो पास में ही है। हाँ हमें पता चला कि हरी आ गए हैं और राइड शुरू हो गए हैं, तो हम लोग सीधा आ गए। जस्ट आपके आने के 2 मिनट पहले फ़ोन किया मैंने उत्तम जी को, वो वहीं पर है। आपको तो पास में ही है, तो 15 मिनट लगा। आप फोन करोगे मुझे प्लीज़? बेस्ट है, नंबर है ना? फिर मैं चेक कर लेता हूँ। है आपके पास है? अनुज जी तो उधर है, सोनभद्र में शूट कर रहे हैं, तो बोले मैं कल रात को आऊँगा वहाँ पर। हाँ जी, हाँ कोई नहीं, आप बताओ मुझे। ये 52479। हाँ मैं फोन कर रहा हूँ। फिर से लाइट लाइट फिर से करो ना, लाइट थोड़ा लाइट करो। हाँ जी, रेडी। आज हमें बहुत दुखद समाचार है कि भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच नहीं है। भूपी अंकल के साथ एक बहुत, मतलब बहुत सारी यादें हैं मेरे, और मेरे हमेशा से जब मैं छोटी थी तब से मेरे बहुत फेवरेट सिंगर रहे, उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और उनका हमारी फैमिली के साथ बहुत प्यार था, मेरे पिताजी के साथ खास करके जब वो यंग थे, और पिताजी जब प्रोग्राम्स पे जाते थे बजाते थे उनके बाजे और उनकी अकॉर्डियन को सुनने के लिए ये लोग दिल्ली में कॉलेज से कॉलेज बंक करके और ये लोग सुनने जाया करते थे। तो मुझे पिताजी ने बताया, फिर भूपी अंकल के मुँह से भी मैंने ये सुना कि हम पापा जी को सुनने के लिए कॉलेज से जाते थे। तो उनके साथ जब भी हमने बॉम्बे आना तो ये पहला हमारा होता था कि मैं अपने पिताजी को कहती थी कि पहले भूपी अंकल के पास चलो, हम वहाँ जाएंगे पहले। और बड़ी सारी यादें वापस थे, मैं कौन सी बात करूँ। और हम लोग बहुत सोशल गैदरिंग्स में भी मिलते रहते थे, और हमेशा वो मुझे मेरे निक नेम से बुलाते थे हमेशा, कभी भी उन्होंने जसविंदर नहीं कहा, हमेशा बब्बू ही बोलते थे, और बहुत प्यार करते थे एज एन आर्टिस्ट। अब बहुत चीज़ें जब मैं छोटी थी तो मुझे बताते भी थे कि बेटा ऐसे गाना है, ऐसे मुँह खोल के इस तरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो मुझे बताते रहते थे। तो बहुत ही आज मन उदास हो गया जब से सुना, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। थैंक यू। मैं जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की आवाज़ जो उनकी आवाज़ थी, क्या उनके गाने थे, उनका गाने ये कितना फेमस था कि मेरी आवाज़ ही पहचान है घर याद रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने, हुजूर इस कदर भी नेत्रा के चलिए, दिल ढूंढता, ऐसे ऐसे गानों की जो वॉइस है अब वो शायद हमको कभी नहीं मिलेगी, मतलब कभी ना मिलने वाली आवाज़। और बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही प्यार से मिलने वाले व्यक्तित्व, और सबकी इज्जत सम्मान करने वाले, म्यूजिशनों की बहुत इज्जत करते थे। तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, धन्यवाद। तो इनको का बस एक आशिया है, छोटी थोड़ी सी जिंदगी को आशिया, चाहे ये गाना हो जिंदगी मेरे घर आना, एक अकेला इस शहर में, दो दीवाने इस शहर में, मौसम का गाना दिल भूलता दूर गई,
नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स अभी याद आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक गाने उनके, चाहे आर डी बर्मन साहब के साथ गाए हो, मदन मोहन साहब के साथ गाए हो, और वो गाने जो है वो हर एक कह सकते कि सुलझे हुए इंसान को वो हमेशा एक सपोर्ट करते थे। मतलब मैं समझता हूँ कि आप देखिए कि कभी अकेले होते तो आप सुनना क्या चाहोगे, नाम गुम जाएगा या थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान। तो गोपी जी को मैं समझता हूँ कि गज़ल का तो बहुत बड़ा लॉस है ही, लेकिन सुनने वालों का बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन चूंकि जैसा हम सब जानते हैं, ऐसे कलाकार दुनिया में हमेशा अपने काम के ज़रिए लोगों को एक इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक इल्म और सुकून भी देके जाते हैं, और वो अपने काम के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो गोपी साहब हमेशा हमारे मन में ज़िंदा रहेंगे, और गोपी साहब नमन है आपको। थैंक यू। बहुत कुछ उनके गानों से, उनकी शख्सियत से सीखा जा सकता है। उस ज़माने से, रफ़ी साहब के ज़माने से, रफ़ी साहब के साथ वन ऑफ फाइनेस्ट आर्टिस्ट, अच्छी शख्सियत, बहुत बड़ा लॉस है। सुकून दे, जन्नत नसीब करो। ठीक है, हाँ अभी तरह तब नहावे ने लाइव लाइव लिंक है ना फटाफट।